हेलो राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का काम जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, पूजा पाठ भी हो गई है, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज मौसम फिर से बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन और जगह जैसे कि मेरी कई जगह बात हुई है तो वहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत हल्की हल्की बारिश है, लेकिन मौसम ठीक है। अभी गर्मी तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ वो धूप वाली तेज़ गर्मी होती है ना, वो नहीं हो रही है अभी, और मौसम अच्छा है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की किन किन हो रही है शुरू। तो चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी किचन से, जो कि किचन में जाना है मुझे, और किचन में वही सुबह के काम जो होते हैं कि खाना पीना तैयार करना, सब्जी बनाना, तो वही सब। तो आज बनाऊंगी मैं कढ़ी, तो कढ़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह ना मैंने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि घी बनाना हुआ, बाकी घी के वगैरह के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो सब काम किया। अब बाकी काम रह गया है किचन का, जो कि सब्जी बनानी है, सब्जी में कढ़ी बनानी है आज, कढ़ी चावल रोटी वही सब बनाएंगे, तो वो सब तैयार करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, और आप सब भी चलिए मेरे साथ। और किचन में आने के बाद मैंने ये सब तैयारी कर ली, जो कि पहले सबसे पहले घोल बना के रखा है इसका, बेसन का जो पकौड़ियों का घोल है ना, थोड़ी देर के लिए रख दो तो ये बहुत अच्छे से फूली फूली पकौड़ियाँ आती हैं हमारी, और इनको भी बना लूँगी। और दूसरी तरफ ना मैंने उसका भी टमाटर वगैरह भी पीस के रखे हैं, जो कि मसाला है ना, मैंने सभी उसी मिक्सी में ही पीस लिया है, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची भी डाली है, तो ये सब मैंने पीस लिया है, तो अलग से इसमें कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑयल एक्स्ट्रा जो था वो निकाल दिया मैंने, और इसमें जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना और इसमें कड़ी पत्ता डाल के ये मसाला ऐड कर दूंगी इसमें, जो कि मैंने सब पीसा हुआ है, और इसी में मैंने सब कुछ मसाला डाल लिया है, जो कि मैंने इसमें नमक था ना वो भी डाल लिया है इसमें, तो मैंने कड़ी छोंक दी है। और आज प्याज वाली कड़ी नहीं है, आज मतलब टमाटर वाली कड़ी है, जो जो कि ये भी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर देखिए मेरी कड़ी पक भी चुकी है, इसे बहुत देर हो गई इसे पकते पकते, तो लास्ट में डाल दिया मैंने पकौड़ी इसमें बनने के लिए, तो और टेस्टी सी कड़ी बन के तैयार हो चुकी है, जो कि ज़्यादातर हर किसी की फेवरेट होती है कड़ी। तो देखिए मेरी कड़ी बन चुकी है, बहुत टाइम हो गया इसको पकते पकते, और कढ़ी मेरी बन चुकी है, और कढ़ी में ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है उसमें, कम से कम करीब आधे पौन घंटे के लिए बनानी पड़ती है, और वो मैंने बर्तन में खिला भी दी है, दूसरे बर्तन में निकाल दिए मैंने, और मैंने आटा भी लगा लिया। अब लास्ट में रखे हैं चावल बनने के लिए, तो अभी इसमें भी सीटी आने वाली है अभी बन, और देखो मैंने कितने सारे बर्तन किए ना साफ़, कुछ तो पहले ही कर दिए थे, घी वगैरह किया था गरम, तो कुछ पहले ही हो गए थे, और कुछ जो अभी कढ़ी वगैरह खिलाई है ना वो उन सब के अभी साफ़ किए हैं, तो बहुत सारे बर्तन हैं, अभी इनको भी सेट करूँगी, और तब तक ना मेरी सीटी भी निकल जाएगी। तो देखो सीटी भी आ चुकी है, और पता नहीं इस तरीके से सीटी आती है इसमें, एक साथ सीटी नहीं आती। और अब कर देती हूँ इसको बंद, क्योंकि ये मैंने तेज़ गैस पे ही बनाए, क्योंकि एक ही सीटी में बन के तैयार हो जाती हैं ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर, नहीं तो ज़्यादा थोड़ी देर हो जाए ना तो ये ज़्यादा गल जाते हैं, इसलिए एक ही सीटी में। तो ये भी बन चुके हैं, और अभी मैं थोड़ा सा ये बर्तन वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। और मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने के लिए, जो कि तवा रख दिया है मैंने गैस पर, और दूसरी तरफ जो कढ़ाई रखी है ना उसमें बनाई है मैंने थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी, कटहल रखी हुई थी तो वो अगर वो नहीं बनती ना तो ख़राब हो जाती, तो मम्मी ने कट कर दी थी, इतनी देर में मैंने किचन विचिन का काम किया ना, इतनी देर में उन्होंने वो काट दी थी, थोड़ी सी थी तो मैंने वो छोटी कढ़ाई में कटहल भी बना ली, मैंने कहा साथ में चल जाएगी जिसे भी खानी होगी, थोड़ी सी थी तो। और दूसरी तरफ मैं खाना भी बना लूँगी, और सबको थोड़ी चीज़ बनती है ना तो अच्छी भी बनती है, तो बहुत टेस्टी लगी थी। इधर मेरी प्लेट भी लग के तैयार हो चुकी है, कटहल की सब्जी है, कढ़ी है, चावल है, रोटियां हैं, तो आप सब और भी खा ये लीजिए। देखिए मेरा खाना पीना सब कुछ बन चुका है, और मेरी किचन भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, देखो सब कुछ मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुके हैं, और ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हैं, जो कि
ये बनाई थी मैंने कटहल की सब्जी, तो ये थोड़ी सी बची है और बनाई भी कम ही थी मैंने, अभी खाना नहीं खाया मैंने अभी, और इसी ये सफाई वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, क्योंकि मैं ना पूरा काम करने के बाद तभी खाना खाती हूँ। और टाइम दिखाती हूँ आपको, टाइम देखिए, टाइम फोन बज रहा, मतलब 20 मिनट है अभी 1 बजने में, और मेरा काम सुबह से लगे 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 ये टाइम हो जाता है। अब लगाऊंगी मैं अपना खाना, अभी मैंने खाना नहीं लगाया। और हाँ, ये मैंने स्टैंड तो दिखाया ही नहीं ये वाला स्टैंड जो मैं कल लेके आई थी ना, अब मेरे चकला बेलन ना यहाँ पे रखे रहा करेंगे, क्योंकि इनको धो के ना यहाँ पे रख दो, अब फिसलेगा नहीं ये, क्योंकि मुझे ये उठा के नीचे रखना पड़ता है। और इसमें देखो थोड़ा सा ऑयल बचा था, कड़ी में से निकाल दिया था ना मैंने, वो ढक के रख दिया है, मैंने कहा बाद में काम आ जाएगा दोबारा सब्जी बनेगी तो। और चलिए अब मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। तो देखा आपने, साफ़ सफाई मेरी सब कुछ हो चुकी है, और मैं अब खाना लगाऊंगी अपना, मेरा ही खाने के लिए रह गया है, बाकी सब ने खाना खा चुके हैं, और बाकी सब बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, और अब जो बाकी काम रह गया ना, बस मेरी प्लेट रह जाएगी, बाकी सारा काम ख़त्म हो चुका है। जो कि इस टाइम पे ना सबसे लास्ट में खाना ना इसलिए अच्छा लगता है कि शांति से बैठ के खाओ, और टेंशन नहीं रहती कि ये काम पड़ा है कि वो काम पड़ा है। अब खाना खाऊंगी आराम से बैठ के, तो आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। प्लेट लगा चुकी हूँ मैं, जो कि कढ़ी चावल है। छत पर, जो कि शाम का टाइम हो रहा है और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, जो कि घूमने में ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पाता नीचे से निकलने का, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह का ख़त्म करो और थोड़ी बहुत देर रेस्ट करो, फिर शाम का शुरू हो जाता है, तो वही पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और पता है बच्चे वगैरह कोई कुछ नहीं देखता, और सारी जिम्मेदारी ना मेरे ही ऊपर है, तो वो पूरा काम सुबह से शाम तक इतना थक जाती हूँ कभी कभी, तो दोपहर में भी थोड़ी बहुत देर के लिए इसीलिए सो जाती हूँ, एक आध घंटे नींद आ जाती है, क्योंकि जब थकान हो जाती है ना तो फिर नींद आ जाती है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता फिर तो। और लेकिन अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए, घूमना चाहिए, और ऐसा मौसम हो तो बिल्कुल घूमना चाहिए एक आध घंटे छत पर। अभी मैं भी छत पर आई हूँ, तो अभी घूमूंगी यहाँ पर अभी आधा एक घंटा, फिर जाके थोड़ा बहुत काम करूंगी, और जाकर फिर वही खाने पीने की तैयारी, चाय वगैरह बना के आ चुकी हूँ, सबको दे के आ चुकी हूँ, मैंने भी पी लिया, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, तो मैं भी पी रही हूँ शाम के टाइम चाय, तो बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है, और शायद एक दिन मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, शायद उसकी वजह से गला ख़राब हो गया, और कुछ मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम में ना एक तो ठंडा पानी कम और ये सारी चीज़ें ना, ठंडी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम की वजह से ना सबके गले ख़राब, और थोड़ा सा कल तो मुझे बुखार सा भी आया, रात मैंने टैबलेट भी ली, तो अब थोड़ा सा गला ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मौसम ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अगर खासकर छोटे बच्चे हैं तो उनका तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि मानते नहीं है ना, बच्चे मानते नहीं है, हमारे घर में भी नहीं मानते, और प्रिया की भी तबीयत आजकल ऐसी हो रही है गले की वजह से, उसको भी रात को टैबलेट दी, क्योंकि मौसम ना ये वाला मौसम थोड़े से ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि चढ़ती गर्मी और उतरती ठंड, ये वाला जो होता है ना, इसमें मतलब कुछ ना कुछ बीमारियाँ फैलती रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसे मौसम में, और हमारा तो हो ही रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा आराम है, कल तो बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था मेरे से, कल बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, और आज फिर भी थोड़ा सा आराम है। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप मेरे ब्लॉग्स को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉट सब्सक्राइब देख रहे हैं मेरी वीडियो को, वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए, इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और कॉमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फिर, बाय बाय।